सो टाइम का पता नहीं होता, टाइम आता है चला जाता है और मेमोरीज रह जाती है। सो अनुज का आज आखिरी दिन वो फोर्ज में, टाइम का पता नहीं होता, टाइम आता है चला जाता है और मेमोरीज रह जाती है, मेमोरीज ही रह जाती है। सो अनुज का आज आखिरी दिन कोफोर्ज में, पहले एनआईटी टेक्नोलॉजीज नाम था, अब कोफोर्ज। मैंने कहा था कि अब गेट, मैं तो चला जाऊंगा कोफोर्ज छोड़ के, तुझे ही गेट बंद करके आना है, बट उल्टा हो गया। भाई हमारा जा रहा है। सो आखिरी दिन, लास्ट वर्ड्स क्या है आपकी? लास्ट वर्ड्स यार यही है, इस जगह ने काफ़ी कुछ दिया है। देखो कॉलेज से निकल के सीधे यहीं आए थे हम एज अ बूट कैंपर, और काफ़ी कुछ चीज़ें सीखी हैं, चाहे वो आप बेसिक ऑफिस एटिकेट्स ले लो, उससे लेके स्किल्स तक, चाहे इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी स्किल्स ले लो, तो काफ़ी कुछ दिया है इस जगह ने। जो भी है ना अभी, वो इसी जगह ने दिया है, बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं और सिखाई भी है। तो काफ़ी अच्छा रहा है अभी तक का सफ़र। नहीं नहीं बहुत अच्छा। एक्चुअली क्या होता है यार, देखो कंपनी जैसे आप इनिशियल टाइम पे कुछ पता नहीं होता, आप ज्वाइन करते हो, देखते हो, चीज़ें सीखते हो, कुछ चीज़ें आपको खुद से भी करनी पड़ती है, कोई आपको देखे नहीं जाएगा। अपॉर्चुनिटीज़ खुद बनानी पड़ती हैं, जो अनुज ने बनाई काफ़ी, और काफ़ी अच्छे से चीज़ें हैंडल करी, और आगे एक और अच्छी अपॉर्चुनिटी है, वहाँ अच्छे नए चैलेंजेस होंगे जो बिल्कुल तैयार है, बिल्कुल एकदम। सो बट ठीक है, अच्छी बात है, मैं अकेला हो गया, बट ठीक है, ऐसी बात नहीं है। हाँ बट ये है, चलो जिस जो ठीक है, आपका हार्डवर्क होता है, मेहनत होती है, उसकी चलती रहती है, बट एट दी एंड जब आपको जाना होता है तभी आप जाते हो, ये तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। चलो जी, और कुछ? और कुछ नहीं, बस थोड़ा बहुत वीडियो बना दूंगा मैं कैंपस का, ये जगह तो दिखानी बनती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ये तो है। तो आप बिल्कुल सर, लो कैमरा लो। ओ यार ये ग्राउंड, यहाँ पे हमने क्रिकेट मैचेस भी बहुत खेले हैं, सुनेजा जी के अगेंस्ट भी खेले थे, हम जीते थे। लेकिन उसमें सुनेजा की परफॉर्मेंस बड़ी अच्छी थी, 47 मारे थे, वो बात अलग है कि हार गए थे, पर ठीक है, हार जीत तो लगी रहती है। और याद है यहाँ पे हमने फोटो भी खिंचाई थी जब हम टीम बिल्डिंग में जा रहे थे, ये जरूर डालूंगा मैं, क्योंकि ये तो तेरा ही था। बट ठीक है, टाइम देखो, जो भी टाइम, यही लाइफ है, चीज़ें आती रहती है, जाती रहती है, कभी बहुत ज़्यादा आपको काम करने को मिलता है, कभी कम होता है, बट उसको अगर आप हैंडल अच्छे से कर लेते हो, वही आपकी लर्निंग है, वही आपका एक्सपीरियंस है, यही कमाया है आपने एक्चुअली में। आई विल मिस यू फॉर श्योर। नहीं, यू कैन कम बैक। नहीं मैनेजर बनना है तो यहाँ पे आके आराम से बैठो, काम करो। हाँ, मैनेजर बनने के लिए तो बहुत अच्छी कंपनी है, ठीक है, पर ठीक है, जो फर्दर अपॉर्चुनिटी है वो काफी अच्छी है, काफी अच्छी है, और मेरे हिसाब से नया एनवायरनमेंट होगा, पर वहाँ पे यार फर्स्ट डे कोई वीडियो बनाने के लिए नहीं होगा यार। कोई बात नहीं, वहाँ पे कोई नया तुम्हें टेक्निकल सुविधा मिलेगा, नए कोलैबोरेशंस होंगे, हाँ। क्या पता मैं तुझे अगले साल वहीं मिल जाऊं जहां तू अभी जा रहा है। सही बात है, कुछ भी हो सकता है यार। वाह यार, यार वो याद है तेरे को कोफोर्ज गार्डन याद है भाई? ये रहा कोफोर्ज। हाँ भाई क्या, अरे हाँ यार, ये भी दिखाई देते हैं यार, इतना ज्यादा हम घूमे हैं। ओहो, लंच टाइम में तो हम यही करते थे, वॉक करते करते, हेल्थ के साथ साथ आंखों को सुकून भी मिलता था पेड़ पौधों को देख के। सही है यार, टाइम मैं यही अभी सोच रहा था, मैंने कहा चलो अनुज का लास्ट डे आ गया है और टाइम निकल जाता है, पता ही नहीं चलता।
हाँ, अभी देखते देखते आपकी कल शादी भी हो जाएगी। अरे यार ये मेरे को यहीं पे एंड करना पड़ेगा, ऐसी फालतू बातें ना करें। फालतू नहीं, दिस इज यार ठीक है, एक्सेप्ट करो यार, जो है वो है। कल शादी ऐसे नहीं होता ना, इतनी जल्दी मत बोल, अभी टाइम है। ओह यार ये चीजें आपको याद आएंगी वैसे। क्या बात है, अभी तो जब इसकी हालत थोड़ी ऐसी हो रही है क्योंकि इतना क्लीन वगैरह नहीं करते, कोविड का सिनेरियो चल रहा है इसलिए ऑफिस में भी ज्यादा स्टाफ नहीं होता। ब्रेक टाइम पे आते थे, बट कोविड से पहले कुछ अलग ही सिचुएशन होती, अलग ही सिचुएशन होती थी। यहाँ पे बैठ के गिटार भी हमने प्रैक्टिस करा था। ओहो यहाँ पे बड़ा सुकून, इस जगह का मतलब ही सुकून है यार। तो यही है, कंपनीज में आना जाना चलता रहता है। आप हर जगह जाओ, कुछ सीखो, नए लोग, नई जगह, नई टेक्नोलॉजी होती रहती है। ऐसा ही है यार। और चलो अच्छा है यार, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच भाई। और बाकी यूट्यूब पर तो मिलते रहेंगे, वैसे भी मिलते रहेंगे। हाँ, मेरे साथ तो जैसे चल ठीक है। मेरा बस ये रहता है कि आप एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। आप जो भी लोग आपके साथ हैं, किसी को अपॉर्चुनिटी मिल रही है तो बिल्कुल जाओ, जाओ। चीज को लो, करो। क्या करो मतलब, जो आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो अच्छा काम मिलने वाला है, जो अच्छे लोग आपको मिलने वाले हैं, जितना बेटर हो, एक अच्छी स्ट्रांग कम्युनिकेशन करो, बॉन्डिंग बनाओ, बॉन्डिंग क्रिएट करो। तो ये चीज़ें हैं, आपको यही आईटी के अंदर ही है, जितना स्ट्रांग नेटवर्क होगा उतना आप ज़्यादा ग्रो कर पाओगे। योर नेटवर्क इज नेटवर्थ। नेटवर्थ देखा, ये मैंने कहीं पढ़ा था, ये मेरे खुद का नहीं है। ये चीज़ें ना डेली जो चीज़ें आप पढ़ते रहते हो, ऐसे ही बात करते करते आ जाती हैं। तो गाइज मैं वैसे हो गया हूँ अकेला यहाँ पे। पहले थे हम 5, 4, 3, 2, अब लग रहा है मुझे गेट बंद करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। वैसे मैं निकल जाता गेट बंद करके। हाँ, बट कुछ समय का फेर है, ये भी समय का फेर है, रोक लिया सालों ने। बट एनीवेज ठीक है, गुड बाय एनआईटी, होप टू सी यू सून, जब मैनेजर बनना हो।